चलें जी स्टार्ट करते हैं। आप सबको उम्मीद है वॉइस वगैरह का कोई इशू नहीं हो रहा होगा। आर्टिकल ठीक है, आर्टिकल 95 जो है वो डील करता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के प्रोसीजर से। हम बेसिकली चैप्टर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे, और उसमें अब हमारा जो है फेडरल गवर्नमेंट वाला जो पोर्शन है उसको हम देख रहे हैं, जो चैप्टर 3 है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जी इसमें आर्टिकल 95 जो है वो डील करता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसीजर क्या होता है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसीजर ये होता है कि अगर कोई मेंबर्स 20% ऑफ द जो मेंबर्स है ना वो साइन करके कोई रेजोल्यूशन पहले प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट पेश करेंगे नेशनल असेंबली में, 20% ऑफ द मेंबर्स जो है उनकी साइन होना लाजमी है। जब वो हो जाएगी तो वो रेजोल्यूशन फिर स्पीकर पाबंद है उसके बाद, उस रेजोल्यूशन के होने के बाद के स्पीकर को मिनिमम 3 दिन बाद, 3 दिन के अंदर अंदर वो वोटिंग नहीं करवा सकता, कम से कम 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले पहले उसको इसके जो है ना वो वोटिंग लाजमी करवानी है। अब अगला सवाल ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कितने प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ पाकिस्तान में आई है? तो ये एमसीक्यू आप एसोसिएटेड नॉलेज के हिसाब से, और कौन कौन ओस्ट हुए? ओस्ट तो खैर एक ही प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे 22nd प्राइम मिनिस्टर, और उनका जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके अगेंस्ट सक्सेसफुल हुई थी वो हुई थी आपकी 10 अप्रैल 2022 को। अच्छा जी, और उसके अलावा आपकी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो आ चुकी है 11th प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर भुट्टो, उनके खिलाफ आई थी, जो मैंने अभी पिछले ही अभी से पहले जो हम लेक्चर कर रहे थे उसमें मैंने छांगा मांगा का जो जिक्र किया था, तो वो आपकी 11th प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वो आई थी, और उस वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 2-3 वोट से नाकाम हो गई थी, 2-3 वोट से अपोजिशन पूरा नहीं कर सकी थी, और वो 1989 में आई थी। उसके बाद दूसरी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी आपके 17th प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, जो शौकत अजीज थे उनके अगेंस्ट, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक था जिनका, उनके अगेंस्ट आई थी, और वो आई थी 2006 में। तो ये दो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, 3 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन टोटल पाकिस्तान में आ चुकी हैं, और उससे सिर्फ जो रिमूवल है वो एक ही प्राइम मिनिस्टर का हुआ है, उसके अलावा नहीं हुआ। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ये प्रोसीजर होता है। और इसके अलावा जो आर्टिकल 99 है वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट की बात करता है कि एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी रेगुलेशंस पास करनी है, कुछ भी मतलब रूल्स बनाने हैं, किसी जो जो अथॉरिटीज अंडर आती हैं उनके हवाले से कानून बनाते हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग, ऑल दैट जो चीज़ें हैं वो कैबिनेट, या कुछ भी ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन है जिस चीज़ जिसके लिए कैबिनेट की नेसेसिटी है, तो वो सारा का सारा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही होगी, और ये सारी कैबिनेट मीटिंग के थ्रू होगा। आर्टिकल 100 जो है वो अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट और फंक्शंस के बारे में बात करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बेसिकली होता क्या? बेसिकली याद रखें कि आर्टिकल 100 अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसका लॉयर होता है। वो उसके लिए कंडीशन ये है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ठीक है, उसके अलावा उसने जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस एक तो वो नहीं कर सकता, उसके अलावा उसको अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंट उसको प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट करेगा कि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करना है, लेकिन हम आर्टिकल 48 पहले पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 48 ये कहता है कि प्रेसिडेंट की जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट है। तो कैबिनेट जिसको रिकमेंड करेगी तो उसको ही अटॉर्नी जनरल जो है वो फिर आपका जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा, और जब तक वो ऑफिस में, जब तक वो अपनी डिस्चार्ज करता रहेगा फंक्शंस में, और जो भी लीगल काउंसिल्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, उसके अलावा वैसे भी जो लीगल एडवाइजरी है किसी भी लॉ से रिलेटेड, तो उसमें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को वो जो है असिस्ट करेगा। कौन असिस्ट करेगा? ये आपका अटॉर्नी जनरल। तो जी आपके चैप्टर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यही है, और ये आपका कंप्लीट है। तो आप हमने बेसिकली अगर देखा जाए तो 280 आर्टिकल्स में से हमने 100 आर्टिकल्स आप दो कॉन्स्टिट्यूशन में फास्ट फॉरवर्ड करके कवर कर लिए हैं इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हमारे जुडिशरी के आर्टिकल्स हैं 175 से लेके 209 तक, और 212 तक, और उसके अलावा 213 टू 226 जो है हमारा इलेक्शंस के आर्टिकल हैं। इन दोनों पे मैं या तो कल लेक्चर कर लूंगा या फिर आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, यूट्यूब के चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा जो इन दो के स्पेसिफिक की बात करेगा, और इंस्टीट्यूशनल बॉडीज एक रह जाएंगी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है वो भी आपकी फिर कवर हो जाएंगी। तो जी कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है जो आज के लिए हमने डिसाइड किया था। अब मैं जो इंटरनेशनल डेज हैं, जो कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज पूछा जाता है, उसमें मैंने सिर्फ आज जनवरी के ही सिर्फ डेज जो है उनके हवाले से डाटा है 4, और मैं यहाँ पर बात चलता हूँ इंटरनेशनल डेज बहुत सारे हैं लेकिन हमें जो एग्जाम से रिलेटेड स्पेसिफिक पता होने चाहिए वो जो यूएन की तरफ से रिकॉग्नाइज डेज है ना वो पता होने चाहिए। बाकी किसी कंट्री का इंडिपेंडेंस डे होता है, कब किसी कंट्री का रिपब्लिक डे होता है, कब कोई वॉर इनिशिएट हुई थी, ये जो चीज़ें हैं ना ये हमें लाजमी पता होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ ऐसे हैं कि जो कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक डेज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड चॉकलेट डे है, तो वर्ल्ड चॉकलेट डे 7th ऑफ जुलाई को हम सेलिब्रेट किया जाता है, और 7th ऑफ जुलाई को क्यों किया जाता है? क्योंकि 7th ऑफ जुलाई में फॉर द फर्स्ट टाइम
जो चॉकलेट्स हैं वो यूरोप में गई थी 7 जुलाई 1550 को, तो इस वजह से उसको 7 जुलाई उस मुनासिबत से जो है वो आपका वर्ल्ड चॉकलेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब इंटरनेशनल डेज इन जनवरी की जहां तक बात है, तो सबसे पहले वर्ल्ड ब्रेले डे मनाया जाता है 4 जनवरी को, ब्रेले सिस्टम के इन्वेंटर की बर्थडे की वजह से। ब्रेले सिस्टम बेसिकली क्या है कि जो आपके विजुअली इम्पेयर्ड हैं या जो नाबीना अफराद हैं उनकी जो लिटरेसी है उसको बढ़ाने के लिए ब्रेली सिस्टम जो है वो बनाया जाता है, कि उनकी रीडिंग का ना एक प्रॉपर मेथड होता है, सिस्टम होता है, इसके थ्रू वो अपनी रीडिंग करते हैं, बुक्स रीडिंग करते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। तो वो जो पूरा सिस्टम है ना उसको ब्रेले सिस्टम कहते हैं। और इसको 4 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो बेसिकली जो इसका इन्वेंटर है उसका नाम था लुइस ब्रेले। अब ये आप बेसिकली ये एसोसिएटेड एमसीक्यू ये लिख लें, उसकी जो बर्थडे थी वो 4 जनवरी 1809 को है, और वो बेसिकली फ्रेंच था, और उसको वो ब्लाइंड हो गया था इन हिज यंग एज ड्यू टू एक्सीडेंट, उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो गए थे अपनी यंग एज में। तो उसके बाद फिर उसने अपनी पूरी लाइफ फोकस कर दी कि भाई मुझे अगर ये लॉस हुआ है तो बाकी जो लोग हैं ना, आम आवाम है, उनके लिए मैं किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ जो ब्लाइंडनेस का शिकार है। तो उनके लिए फिर उसने ब्रेले सिस्टम बनाया, और उसको रिकोगनाइज करते हुए फिर यूनाइटेड नेशंस ने जो है वर्ल्ड ब्रेले डे के तौर पर रिकोगनाइज किया, और 4 जनवरी हर साल उसकी एक तो बर्थडे के तौर पर और वर्ल्ड ब्रेले डे के तौर पर मनाया जाता है। उसके अलावा जो 24 जनवरी है वो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है, जो बेसिकली SDG भी है, SDGs के अंदर भी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है कि भाई आपने क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना है। तो SDG नंबर 4 है क्वालिटी एजुकेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। तो आपका क्या है कि जी 24 जनवरी जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है, कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए, लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो एक कम्पिटिटिव स्किल्ड लेबर फोर्स होगी, और पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए तो ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा एक इनसाइट करने के लिए बहुत एक अच्छा डे होता है कि गवर्नमेंट्स को देखना चाहिए कि वो किन किन पॉलिसी पे फ्लॉ कर रहे हैं। और अगर इसकी इन लाइन में कल डिस्कस कर चुके हैं, हमारा तो आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 18th अमेंडमेंट वैसे ही गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है कि जितने भी स्कूल गोइंग एज चिल्ड्रन है 5 to 16 years एज के, वो सारों के सारों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना जो है हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। तो आप अगर ये देख लें, तो इसको हम देखें तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट को काफी इंपॉर्टेंस है। अच्छा जी, 26 जनवरी जो है इसके बाद तीसरा MCQ वो है कि वो है इंटरनेशनल कस्टम्स डे। इसके अलावा 26 जनवरी का एक और भी सिग्निफिकेंस है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो आपका है 26 जनवरी इंडिया का रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया जाता है। तो ये दोनों चीजें मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, कि बेसिकली वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है, वो आपकी 26 जनवरी 1952 को फाउंड हुई थी, और उसी वजह से 26 जनवरी ऑफ 1983 से लेकर आज तक जो रेगुलरली जो है 26 जनवरी है ये आपका इंटरनेशनल कस्टम्स डे के तौर पर मनाया जाता है। और बेसिकली इसका फोकस क्या है कि ये जो आपकी वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं उनको सेंसिटाइज किया जा सके कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी पर फोकस करें, बॉर्डर मैनेजमेंट पर फोकस करें, स्मगलिंग को कैसे कर्टेल किया जाए, और कैसे कैसे स्मगलिंग को कर्ब करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को किस तरह से इन्हांस किया जाए, तो ये इसका मेन पर्पज होता है। और इफेक्टिव एंड लेजिटिमेट ट्रेड की बात की जाए तो ये आपका इंटरनेशनल कस्टम्स डे इस हवाले से है। 27 जनवरी जो है, उसके अलावा 26 जनवरी का एक और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंटरनेट जो 26 जनवरी है वो इंडिया का रिपब्लिक डे है। उसकी दो सिग्निफिकेंस है, एक तो इंडिया का रिपब्लिक डे वो इस वजह से है कि 26 जनवरी 1950 को इंडिया ने पहला अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, उसका एक ही कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का आया, और वो अभी तक जो चल रहा है वो 26 जनवरी को आया, जो दुनिया का सबसे लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 394 आर्टिकल्स हैं, दुनिया का सबसे लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसको बैग ऑफ बोरिंग्स भी कहते हैं, कि दुनिया मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ें लेके मुख्तलिफ फीचर्स लेके उसको बनाया गया है, और उसको क्वाजी फेडरल सिस्टम भी कहते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। और इसके अलावा 26 जनवरी इंडिया को आज़ादी का भी दिन इंडिया इस हवाले से था कि इंडियंस ने अपनी आज़ादी का जो ऐलान था, बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में मुझे जाना पड़ेगा, वो ये थी कि नेहरू रिपोर्ट का तकरीबन हम सभी ने पढ़ी होती है, वो ये थी कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस के जो लखनऊ का सेशन था उसने दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट अप्रूव कर ली थी, और उसके बाद फिर उन्होंने ऑल पार्टीज के फोरम से, और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ये कहा कि भाई अगर गवर्नमेंट को एक साल के अंदर अंदर इसको एज इन टोटेलिटी अप्रूव करे, अदरवाइज हम सेल्फ रूल या स्वराज का ऐलान कर देंगे। तो फिर हुआ ये कि 26 जनवरी 1930 को रावी के किनारे बैठकर ये सेशन हुआ, रावी के किनारे सेशन था ये कांग्रेस का 26 जनवरी 1930 को, और पुनम स्वराज का नारा जो है, पुनः स्वराज, पूर्ण स्वराज मतलब पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सेल्फ रूल, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें बस अब कंप्लीट आज़ादी चाहिए, हमें मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, तो वो किया। और उसके बाद फिर सिविल नाफरमानी की भी गांधी जी ने उसके बाद तहरीका आगाज कर दिया था, जिसको डांडी मार्च उन्होंने किया था गुजरात में, जिसकी वजह से फिर उनको पाबंदे सलासल कर दिया गया था कांग्रेस की सारी लीडरशिप को, और उसी की वजह से फिर जो
फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें कोई भी कांग्रेस के लीडर जो है वो शरीक नहीं हो सका था। तो ये दो वजूहत है जिसकी वजह से जो 26 जनवरी है वो इंडियन लिटरेचर में बड़े इंपॉर्टेंस का हामिल है। और आपकी 26 जनवरी 1930 तो वैसे ही हमारी जो MCQs भी इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से, तो उसके हवाले से बड़ा एक इंपॉर्टेंट डेट है कि सेल्फ रूल पूनम स्वराज का नारा जो है कांग्रेस ने लगाया था 1930 को। और इसकी एक एसोसिएटेड और पास्ट पासिंग रेफरेंस में मैं एक बात बताना चाहूँ, तो अब इकबाल जो है वो लाहौर से थे और जो आपके नेहरू हैं वो आपके थे अलाहाबाद से। तो कांग्रेस ने फिर उसके बाद जो इकबाल ने अलाहाबाद का एड्रेस दिया था जिसको हम बात करते हैं, तो कांग्रेस ने उस पर ये भी एलिगेशन लगाया था कि डिवाइड एंड रूल की बेसिकली ब्रिटिश साजिश है, क्योंकि हम यहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा लगा रहे हैं, और क्योंकि हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा आकर जो है वो इकबाल के शहर में लगाया है, तो इकबाल जी को भेजा गया है अलाहाबाद में नेहरू जी के शहर में कि वहां पर जाकर वो जो है पूनम स्वराज पार्टीशन ऑफ इंडिया का प्लान देते हैं, जो बेसिकली जिसको पाकिस्तान का आइडियोलॉजी भी कहा जाता है, पाकिस्तान का ख्वाब भी कहा जाता है, जो मुसव्वर पाकिस्तान भी जिसकी वजह से अल्लामा इकबाल को कहा जाता है, वो वही उनका वो था एड्रेस था, प्रेजिडेंशियल एड्रेस था। वो कोई वो नहीं थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, वो बस एक उनका प्रेजिडेंशियल एड्रेस था कि जो उन्होंने क्योंकि सदारत की थी सेशन की, क्योंकि बाकी सारी लीडरशिप जो है ना ये 1930 के एंड में की बात है, बाकी सारी लीडरशिप उस टाइम पे लंदन जा चुकी थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के वाले से। तो इकबाल ही सीनियर लीडर थे जो पाकिस्तान उस टाइम पे इंडिया में हिंदुस्तान में मौजूद थे, तो उनको फिर प्रेजिडेंशियल एड्रेस का मौका मिला, तो उन्होंने वहां पर ही अपने ख्याल का इजहार किया। तो ये मैंने अब बताइए। उसके अलावा 27 जनवरी जो है वो है इंटरनेशनल डे टू कॉमेमोरेट इन मेमोरी ऑफ विक्टम्स ऑफ होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट बेसिकली इवेंट ये था कि जो ज्यूस की प्रोसिक्यूशन की गई थी हिटलर की नाजी गवर्नमेंट की तरफ से, तो बहुत ज्यादा ज्यूस के ऊपर वहां पर उन्होंने उनका प्रोसिक्यूशन की, मार्जिनलाइजेशन की, और उनको पूरी तरह मतलब लाइक कहना चाहिए कि रेस की एलिमिनेशन की तरफ बात की, उनको कहा कि इम्प्योर है सेमाइट्स और हम जेंटाइल हैं, ये सेमाइट्स हैं, इस प्योर प्योर रेस जो है वो आर्यन रेस है और वो सिर्फ अभी जर्मन ब्लड में, तो जर्मन ब्लड को स्प्रेड करना, और उसके अलावा जो भी इम्प्योर रेस आ जाती है, और ज्यूस तो बिल्कुल ही इम्प्योर रेस है, इनको तो सफा हस्ती से मिट जाना चाहिए और ऑल दैट इनके नहीं होना चाहिए, तो ज्यूस के लिए ना कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए गए कि भाई इनके अलावा बाहर नहीं जा सके। बल्कि जो ईस्टर्न यूरोप है ना उसमें तकरीबन 13वीं सदी से ये चल रहा था, लेकिन हिटलर की नाजी गवर्नमेंट के अंदर फिर जो भी मतलब लाइक प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर हिटलर जर्मनी को फेस करने पड़े, उन सबका रिस्पॉन्सिबल उन्होंने इसको करार दिया। तो उस हवाले से 27 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, जो 27 जनवरी 1945 को ना सबसे बड़ा जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप था उसका नाम था ऑस्ट्विट्स बिर्केनो, ये पोलैंड में था। पोलैंड जो है ना वो नाजी फोर्सेस से रिकवर किया था सोवियत यूनियन की फोर्सेस ने, रेड आर्मी ने, और रेड आर्मी ने जब वो रिकवर किया था 27 जनवरी को, तो वहां पे पता चला कि पूरे पूरे जो मतलब बेसमेंट्स थी वो जली हुई थी, लोगों की म्यूटिलेटेड बॉडीज मिली वहां से, तो उसकी वजह से कि भाई ह्यूमैनिटी के लिए। और अभी आजकल ये ऑस्ट्विट्स बिर्केनाउ जो है ना ये यूनाइटेड नेशंस की जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट है वो भी है, ताकि ह्यूमैनिटी का एटलीस्ट वो दिया जाए कि ह्यूमन की लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, और इसी की आड़ में फिर फलस्तीन के अंदर जो है वो उसकी सेटलमेंट करवाई गई ज्यूस की, और ज्यूस ने फिर उसकी आड़ में आकर वहाँ फलस्तीन में वो किया, और अभी सिर्फ इस एक इवेंट को लेकर फिर वो अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि हिस्ट्री में अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई है तो अब उसकी बेस पर जो आप फलस्तीन में कर रहे हैं उसको जस्टिफाई मान लिया जाए, वहाँ पर भी तो आप लोगों से घर ही छीन रहे हैं, सेटलमेंट्स कर रहे हैं और करते ही चले जा रहे हैं, और पहले इसराइल एक छोटा सा पोर्शन था, और अब जो आपका प्लान था 1948 का यूनाइटेड नेशंस का जो इकोनॉमिक यूनियन का प्लान था उसके हिसाब से इसराइल का लैंड एरिया 57% होना था और अरब स्टेट का 43% होना था, लेकिन आप तो उससे कई आगे बढ़ चुके हैं, और अब तो मतलब लाइक शायद फलस्तीन, गजा स्ट्रिप और कुछ वेस्ट बैंक के इलाके, उसके अलावा फलस्तीन की पट्टी नहीं मिलती है, फलस्तीन की गवर्नमेंट को भी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, फलस्तीन की जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है उसको भी इसराइल वहां पर एक्सेप्ट नहीं करता, और एक सबसे बड़ी ह्यूमन जेल के तौर पर, लाइफ जो जेल है उसके तौर पर फलस्तीन को लेकर चल रहा है। तो ये सारे आज के MCQs थे, और बाकी मैं कल फीचर्स ऑलरेडी सेशन के डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें हम FIA के एक्ट को करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 73 के MCQs हो गए हैं, एक अद लेक्चर और होगा, और बाकी वीडियोस और नोट्स से आपको जो पोर्शन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 73 का हमारा पोर्शन तकरीबन कवर्ड है, और उसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज हम कराएंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पाकिस्तान पर एक लेक्चर होगा, ये सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये आप अगर स्लाइड को देख लें 1 मिनट, तो ये और दीज वन इस्लामिक स्टडीज, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, क्विजेज होंगे अल्टरनेट डे पे, और सेशन की जो ड्यूरेशन है एग्जाम्स तक है, और इसमें मैं फर्दर एक और चीज़ बताता चलूँ कि मंडे टू जो वेनसडे है वो क्लासेस आपकी इवनिंग में हुआ करेंगी 5 to 6, मंडे टू वेनसडे एंड फ्राइडे को ये आपकी 5 to 6 इवनिंग में क्लासेस हुआ करेंगी, और जो सैटरडे एंड संडे है वो आपकी क्लासेस हुआ करेंगी मॉर्निंग में 11 AM to 1 PM, क्योंकि काफ़ी लोग जॉब होल्डर्स भी होते हैं तो वो भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये उस हवाले से मैंने ये
चीज सोची है, और आप लोगों की फीडबैक भी आया था दोस्तों वाले से, ये चीज डिसाइड की है। और थर्सडे जो है वो थर्सडे ऑफ हुआ करेगा, थर्सडे को कोई क्लास नहीं हुआ करेगी। तो ये आपका आज का मेरे तरफ से यही है, बाकी कोई सेशन ज्वाइन करना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर ले। नॉमिनल फी रखी है काफी ऑलरेडी, और 3000 फीस है, और इसके अलावा आपने अगर ज्वाइन करना है तो आप, मेरा ये नंबर मेंशन है 0313026139, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करके ये लेक्चर आज का भी रिकॉर्डेड था, कल का लेक्चर भी रिकॉर्डेड था, और ये दोनों लेक्चर आपको वीडियो में मिल जाएंगे। और हो सकता है मैं कल भी जो सेक्शन है वो भी आपका फ्री सेशन होगा तो एक और सेशन भी हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं यूट्यूब पे मौजूद होंगी, आप अगर अपने फ्रेंड्स एंड सर्कल में भी शेयर कर दें, और कुछ ज्वाइन करना चाहता है तो उसको रेफर कर दें बेशक। और बाकी अभी आज के सेशन के हवाले से कोई आपका कोई क्वेश्चन है, कोई स्पेसिफिकली फीचर के हवाले से कोई क्वेश्चन है पूछना चाह रहे हैं तो नो, फ्लोर इज ओपन फॉर यू। आप चैट में अपना क्वेश्चन लिख दें और मैं फिर वहां से जो है आपको देख के बता दूंगा आंसर्स। एनी क्वेश्चंस? फी पे करने का जो मेथड है वो ये है कि आप इसी नंबर पे आप इजी पैसा अकाउंट का मैसेज करते हैं, तो आपको एक तो इजी पैसा अकाउंट की डिटेल्स भी मिल जाएंगी, और उसके अलावा आप जो है बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप इस नंबर पे मैसेज कर दें तो वो दोनों चीज़ें जो है वो आपको बता दी जाएंगी कि किस अकाउंट में भेजना है। इजी पैसा अकाउंट तो इसी नंबर पर मौजूद है, आप उस पर भेज सकते हैं, उसके अलावा बैंक अकाउंट की डिटेल्स किसी को चाहिए तो वो हो जाएगा जी। इस्लामियात जो है ट्रेंड तो नहीं कहा जा सकता कि आज नहीं की गई, बट उसने सिलेबस में मेंशन की हुई, ठीक है, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर कुछ चीज सिलेबस में मेंशन है तो हमें उसको कवर करना है। हाँ ये हो सकता है इस पास्ट पेपर की मौजूदगी में, तो हो सकता है इस दफा वो पूछ ले, तो क्योंकि सिलेबस में मेंशन है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ ये स्मार्टली, लेकिन आप ये नहीं कर सकते बिल्कुल आप तैयार ही ना करके जाएं तो, मतलब लाइक वो आगे पूछ ले तो फिर तो आपको आप सिलेबस के हिसाब से सारे एरिया कवर करना है। सिलेबस प्लस मैंने फीचर्स डिसाइड किए हैं, वो मैंने बेसिकली जो सारे एरियाज है ना वो मैंने डिजाइन किए हैं विद द लाइन ऑफ के जो सिलेबस है, और प्लस पास पेपर्स की उसके हिसाब से। अब देखें जैसे सिलेबस में इंटरनेशनल डेज कहीं नहीं लिखा होता, लेकिन वो करंट अफेयर्स के अंदर वो पूछ लेता है। ठीक है, मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिसेस वगैरह और प्रोजेक्ट प्रोजेक्शन वगैरह, ये सारा जो सिचुएशन है, वैसे एक दो क्वेश्चंस थे बाकी जो है वो ऐसे थे, तो वो टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। मैथ्स जो है मैथ्स से रिलेटेड अगर आप स्पेसिफिकली पूछना चाहते हैं तो मैथ्स जो है वो लास्ट जो 10 डेज होंगे ना, लास्ट 8 to 10 डेज, उनमें मैथ्स को कवर करेंगे, उससे पहले बाकी सारी चीज़ों को करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? बाकी ज्वाइन करना है या कुछ ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसको आप वो करवा दें, रिकमेंड कर दें, उसको ग्रुप का लिंक भी दे दें, आप लोगों के पास मौजूद है तो, और वीडियोस की रिकॉर्डिंग भी जो है वो आपके साथ शेयर हो जाएंगी, तो वो भी आप काइंडली अपने सर्कल में शेयर कर दें जी। थैंक्स फॉर द फीडबैक। बाकी ये जो है इस हवाले से फर्दर कोई क्यूरी है, अगर आपकी लेक्चर रिलेटेड कोई क्यूरी है तो वो भी स्पेसिफिकली आप पूछ सकते हैं, कि कोई आर्टिकल समझ ना आया हो या कुछ भी, बाद में भी पूछ सकते हैं, मतलब लाइक नंबर पे कांटेक्ट करके, कोई इशू नहीं। एनी अदर क्वेश्चन, या मैं मीटिंग को फिर क्लोज करूँ? और क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि एज देयर इज नो अदर क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।